लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माता, आज तो तेरे पुत्र का जन्मदिन है, फिर आज तेरे चेहरे पे उदासी क्यों? हम तेरी उदासी का कारण समझते हैं माँ। आज के दिन तेरा पुत्र नदी में डूब गया था, लेकिन हम ये भी कह देते हैं कि तेरा पुत्र अवश्य आएगा। सच महाराज, मेरा बेटा आएगा। अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा तो मैं दुनिया की सारी दौलत आपके चरणों में अर्पण। नहीं माँ, नहीं। माँ की ममता और आशीर्वाद के आगे सारी दुनिया की दौलत तुच्छ है। आज तो केवल तुम्हारे हाथ से भोजन मिल जाए माँ। आइए महाराज, आइए। काश मुझे गैर समझ के भी प्यार कर लेती माँ। पधारिए महाराज, पधारिए। सुंदर, अति सुंदर। माँ, इस घर में आके मन को बड़ी शांति प्राप्त हुई। माँ, ये किसे पकड़ लाई? आनंद, तमीज से बात कर। जानते हैं बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं। माँ, कोई पहुंचे हुए नहीं होते हैं, ये सब बहुत बड़े ढोंगी होते हैं। ढोंगी मौका मिलते लूट कर भाग जाते हैं। आनंद, माँ, ये तेरे तीनों में सबसे छोटा बेटा है, किंतु बहुत छोटा है। मस्तक की रेखाएं बता रही हैं, ये लुच्चों की सोबत में रहता है, बदमाशों की मित्रता का दम भरता है। सुना तुमने? सुना महाराज क्या कह रहे हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं बालिक, झूठ के हम बहुत बड़े शत्रु हैं। हम जहाँ जाते हैं झूठ भाग खड़ा होता है और सामने खड़े झूठे के माथे पे पसीना आ जाता है। चलो पसीना पोंछ बालिक। एक बात सुनो माँ, तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा, उसे मैंने कहीं काम से भेजा है। एक बात कहूँ माँ, तेरा बड़ा बेटा तुझे बहुत प्यार करता है। वो माँ की ममता के लिए तड़प रहा है, उसे अपने सीने से लगा के रख माँ। माँ औलाद के लिए पागल होती है, लेकिन वो माँ के लिए पागल है। ये यही तेरा मंझला बेटा है ना माँ? हाँ महाराज। ये अवश्य वापस आएगा। है मिस्टर, कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? मैं बाहर जा रहा था, अचानक मेरी इस मकान पर निगाह पड़ गई और मैं खुद ब खुद खींचता हुआ चला आया। क्यों, ऐसा क्या है इस मकान में सबके सब खींचे चले आ रहे? ये मकान सदियों से धुंधला धुंधला मुझे मेरे ख्वाबों में नजर आया। ऐसा लगता है जैसे मेरे पिछले जन्म का इस मकान के साथ गहरा रिश्ता हो। कौन हो तुम? आप? हाँ हाँ, आप ही तो हैं। आपके धुंधले धुंधले से तस्वीर मैं अपने ख्वाबों में देखता रहा हूं। आप मुझे प्यार से चिमटा लेती हैं, मुझे बेटा बेटा करके बुलाती हैं, और मैं कहीं दूर अंधेरे में गायब हो जाता हूं। तू कहीं मेरा अमर तो नहीं? अमर? हाँ, मैं ही आपका अमर हूँ और आप ही मेरी माँ है। माँ के बच्चे क्या बकता है? माँ, तुम भी कमाल करती हो, कोई भी राज चलते घर में घुसा है तुम्हें बेटा बना लेगी। मैं बताता हूँ ये कौन है। तो तुम्हें इस घर के सपने आते हैं। दीवारें, ये तस्वीर तुम्हें धुंधली धुंधली नजर आती है। सुरमा डाल दूं तेरी आंख में, बता दूं कौन है तू? चोरी तेरा काम, नाम तेरा बदनाम, लोगों की जेबें काटता है। दुष्ट पापी, निकल जा। नहीं, ये चोर है माँ। चोर? नहीं नहीं। हाँ माँ, महाराज ठीक कहते हैं, ये चोर है। हाँ हाँ, मैं चोर हूँ। हाँ माँ, मैं चोर, मैं यहाँ चोरी कर नहीं आया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ रुक गए। माँ, मैं एक चोर हूं, बचपन से ही चोरियां करता रहा हूं। मुझे एक चोर ने पाला है, चोर ने ही मुझे नदी से निकाला था। नदी से?
हाँ माँ, बहुत साल पहले की बात है। मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। मैं नदी में डूब गया था और नदी में धार थी। तू मेरा अमर है, तू मेरा बेटा है। मेरा दिल कहता है, माँ की ममता कहती है, और माँ की ममता कभी झूठी नहीं हो सकती। तू ही मेरा अमर है, तू ही मेरा अमर है। अमर, तुझे भी मैं अपने हाथों से खिलाऊं। ये 20 साल मैंने कैसे बिताए ये मैं ही जानती हूं, मेरा भगवान जानता है। किसी मां से उसकी जिंदगी छीन ले, मगर उसकी औलाद उससे न छीने। तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, किस किस मंदिर में सर नहीं पड़ता। जिंदगी पर रो रो के भीख मांगती रही कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मेरा बेटा मुझे मिल जाए। अमर, अब तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। अमर, नहीं माँ, नहीं माँ, तुम मत रो माँ, मैं इस लायक नहीं हूँ माँ। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता माँ। अबे ओए लल्लू, तू रो रहा है? तू यहाँ चोरी करने आया है या बेटा बनने? साले जल्दी से चोरी करके पतली गली निकल जा, वरना एक आध दिन और रुका ना तो साले सचमुच तू सुधर के इस माँ का बेटा बन जाएगा। समझा साला? उल्लू का पट्टा। पट्टा? पट्टा? उल्लू का पट्टा तू? उल्लू का पट्टा तेरा बाप? माले यार, तू साधु है या जादू? आज तक पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकी, तू कैसे पहुंच गया? माल निकालो। माल निकालो? यहां से फूटने का क्या लोग है? माल निकालो। माल? वेल कॉट। हार निकालो। हार? इस हार का क्या करोगे? मंदिर में चढ़ाओगे? नहीं, जिस देवी के गले से उतार कर लाए हो उसे वापस पहनाऊंगा। इसे तो मैं अपनी माँ के पास लाया हूं। मैं भी इसे अपनी माँ के पास ले जाऊंगा। फेंक मत यार, सीधा बोलना चोरी के माल में हिस्सा चाहिए। अच्छा अच्छा महाराज, तो आप है? अरे भाई, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप भी हमारी बिरादरी के। अरे तो बाबा, फिर झगड़ा किस बात का? आधा आधा कर लेते हैं ना, छीना चिपटी काहे की? मत डाल रे। बहुत सारे थे बाप, बचपन से जवानी तक बहुत हाथ का है, मगर इस हाथ में जो बात है वो बात किसी और हाथ में नहीं। मगर अपने लात में भी जो बात है वो बात किसी और लात में नहीं। किबला, अब तो ये हार उसका होगा जो मुकाबले में जीत जाएगा। Thank you.
अरे यार भाग जा, पुलिस आ रही है, भाग जा, अपना फैसला बाद में कर लेंगे। अरे यार कमाल कर रहा है तू, ठीक अपना ये मामला उधार रहा, बाद में निपट लूंगा। मां आ गया मुन्ना, तो मां ये रहा तुम्हारा हार। ये तुम्हारे पास कैसे आया? तुम जिसे अपना मुन्ना समझ रही थी ना, वो चोर है, वो ले गए थे इसे। नहीं ये कभी नहीं हो सकता। मेरा यकीन करो माँ, वो चोर है, हमारा मुन्ना नहीं है। ये तुम कह रहे हो ना, लेकिन मेरे दिल से पूछो, जब उसने मुझे गले लगाकर माँ कहा तो मेरी ममता की प्यास को कितना सुकून मिला। मुझे विश्वास है वही मेरा मुन्ना है, वही मेरा अमर है। कहाँ है वो? किसी भी तरफ से मेरे पास ले। नहीं मैं उस चोर को इस घर में नहीं घुसने दूंगा। खबरदार जो उसे चोर कहा। माँ शुक्र करो मैं ठीक वक्त यहाँ आ गया, नहीं तो हार लेके वो रफू चक्कर हो जाता। लेकिन भैया तुम तो फार्म पे गए हुए थे। हाँ फार्म पर था, लेकिन अब किस तरह तुम लोगों को देखने तो आना था मुझे। मैं वो साधु बनकर आया था। साधु? साधु? हाँ माँ। अशोक मुझे तुम्हारी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं माँ मेरी बदकिस्मती है, तुम्हारा प्यार क्यों नहीं मुझे मिलता, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही ना। ठीक है लेकिन एक बात सुन लो माँ, इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि आनंद जिस रास्ते पे जा रहा है उसे रोक लो, वरना पछताना पड़ेगा। देखा माँ जब देखो भैया मेरी शिकायत करते रहते हैं। मुझे सब मालूम है, तूने मुझसे झूठ बोला कि तूने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे उसका पूरा हिसाब चाहिए, वरना वसीयत में से तुम्हें पाई भी नहीं मिलेगी।